और आपको बताएं कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फैसल करीम कुंडी ने दो टोक वाज़ेह कर दिया, कहा निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से बिल में तरमीम पेश की है और पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेगी। लीडरशिप का एक दो टोक मौकफ है कि ये पार्लियामेंट अपनी मैयाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले, ये हमारा दो टोक मौकफ है इस हुकूमत के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस बिल को वोट नहीं दिया और हमने कहा कि हम कभी भी निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत की होंगी, तो हमने उस पर वोटिंग नहीं की बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके हमने उस बिल को पास किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर सीट पे तीर के निशान पर कैंडिडेट इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकायक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर वन न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।